जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के भी अपने कुछ सुहाने सपने थे जो शायद वो उन लोगों के साथ देख रहे थे जो उसके लिए शायद परफेक्ट नहीं थे खबरों के मुताबिक। बता दें दोस्तों, किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती एक सुहाना सपना ये देख रहे थे कि वो एक नए घर में शिफ्ट होंगे, शादी करेंगे, उसके बाद उनका परिवार आगे बढ़ेगा जहाँ पर उनकी लाइफ एकदम नॉर्मल रहेगी। लेकिन जैसे ही 14 जून 2020 की तारीख को सुशांत को लेकर वो खबर सामने आई जिसकी शायद कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, सभी के पैरों तले ज़मीन खसक गई। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके बाद कई खुलासे सामने हुए, क्योंकि सुशांत सिंह के चचेरे भाई ने इस बात का खुलासा किया था कि वे जल्द ही शादी करने वाले थे और पूरा परिवार इस बात से काफ़ी खुश भी था। हालांकि उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि लड़की कौन है, क्योंकि सुशांत जो भी करता था सोच समझ कर करता था। इसके बाद उन्होंने ये साफ नहीं किया था कि वह शादी किससे करने जा रहे थे। वे अब अपनी खबर को लेकर रिया चक्रवर्ती के ब्रोकर सनी सिंह ने इस बात का खुलासा किया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिससे घर ढूंढने की बात कही थी ब्रोकर सनी सिंह, उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। वो कहते हैं कि रिया ने अपनी शादी की बात कही थी और ये दोनों एक साथ कहीं रहने वाले थे, उसके लिए घर ढूंढ रहे थे। तो मीडिया रीडिंग वेबसाइट से बातचीत के दौरान सनी ने बताया कि ये दोनों एक साथ एक घर ढूंढ रहे थे, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। उससे किराए के बारे में पूछने पर ब्रोकर ने कहा कि नहीं, किराए को लेकर कोई इशू नहीं था। उनकी लेट नाइट पार्टी ही प्रॉब्लम रहती थी। इससे पहले भी जहां सुशांत सिंह रहते थे, सोसाइटी ने लेट नाइट पार्टियों की शिकायत की थी। आखिर में ब्रोकर ने कहा कि उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि मैं बांद्रा में घर देख रहा हूं और सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहूंगी। वो कहते हैं कि जल्द ही वो दोनों शादी करने वाले हैं, बस मेरे को इतना मालूम है। और जहां वो पहले घर में रह रहे थे वहां पर उनके घर पर देर रात तक पार्टीज़ कह लो या फिर लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि एक सेलिब्रिटी का घर था, जिसकी वजह से जो सोसाइटी के अन्य मेंबर थे वो काफ़ी परेशान रहते थे। तो जब शादी हो जाती तो उसके बाद तो और भी ज़्यादा पार्टीज़ होती। तो ऐसे में सुशांत और रिया ने डिसाइड किया था कि रिया चक्रवर्ती की पसंद से एक घर लेंगे जहाँ पर कभी भी कोई भी आ जा सकता है, किसी की कोई रोक टोक नहीं है, ना ही कोई बोलने वाला। सनी सिंह का यही बयान था जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।